करोगे पावर ऑन पावर इंडिकेटर रहेगा, उसके बाद पार्टी मोड, जैसे आपके घर कुछ फंक्शन वगैरह है तो ज़्यादा फास्ट कूलिंग करेगा। डिग्री सेंटीग्रेड ये आपको टेम्परेचर कर सकते हो, नीचे दिया देखो आपको टेम्परेचर 3 सेकेंड, ये दबा के रखोगे तो ये ऑटोमेटिकली फास्ट फॉरवर्ड आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये फास्ट फॉरवर्ड आइस 24 घंटे का है, 24 आवर्स के बाद खुद का ये प्रोग्राम ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। ठीक है सर। अलार्म, दरवाज़ा अगर ज़्यादा खुल रहा है तो अलार्म करेगा, या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है वो भी अलार्म करेगा। टेक्निकल प्रॉब्लम मतलब क्या, जैसे नो कूलिंग प्रॉब्लम है, हीट बढ़ रहा है तो ये अलार्म करेगा। अगर जब तक हीट नहीं है तब तक वो परफेक्टली काम करता है। और ये है स्पेशली नाइट मोड। नाइट मोड में क्या होता है, दरवाज़ा बार बार नहीं खुलता, ये देखने गए तो दूसरा नाम है इसका पावर सेविंग एनर्जी, है ना। जैसे मान लो दिन भर मैं घर पर नहीं हूँ, घर मेरा बंद है, तो आप ये नाइट मोड पे जा सकते हो, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम होगा, कंप्रेसर कम चलेगा, कूलिंग अंदर मेंटेन रहेगा। पावर सेविंग मोड तो उसको हम बोलते हैं नाइट मोड। तो ज़्यादा करें कस्टमर नाइट में भी यूज़ कर सकता है क्योंकि दरवाज़ा खुलेगा नहीं, इसलिए वो नाइट मोड दिया। ओके, और यहाँ पर आप देखोगे ये इंपोर्टेड मैक है, तो यहाँ पर A++ दिया हुआ है। तो अपने इंडिया में हम स्टार रेटिंग जो होता है हमारा पावर सेविंग, तो वहाँ का जो होता है A++, जितना प्लस रहेगा उतना पावर सेविंग ज़्यादा, तो वहाँ का स्टार रेटिंग है। अपने यहाँ पे स्टार रेटिंग 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार होता है ना, वो अलग है, ये आइडेंटिफिकेशन है। यहाँ पे आइस ट्रे दिया हुआ है, इस आइस ट्रे को आप मैन्युअली निकालना है, मैन्युअली वाटर फिल करना है एंड जस्ट कीप, ऑटोमेटिकली आइस होगा। इसको आप पुश करोगे तो यहाँ पे आके आइस के क्यूब्स जमा हो जाएंगे, तो आपको जब भी चाहिए ये पर्टिकुलर ड्रॉअर निकाल के आप आइस यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको मैन्युअली इसको वाटर फिल करना पड़ेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा कोई रखना है आपको नॉनवेज वगैरह, उसके लिए स्पेशल कंपार्टमेंट और चिलर टाइप। कूलिंग कॉयल इसके अंदर है, एलईडी लाइट, कूलिंग कॉयल और फैन इसके अंदर ही है। अब एक चीज़ का ध्यान देना, ये खोलने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, इसका जो कॉयल है पूरा एल्यूमिनियम है, तो ज़रा प्यार से खोलना है, अगर लीकेज हुआ तो थोड़ा डेलिकेट है। ये कंपार्टमेंट का टेम्परेचर कितना रहता है रेंज? वो रेंज मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, बाकी सब रबर दिया हुआ है इसमें जो स्टोरेज करने के लिए। जो ज़्यादा करके नॉनवेज का शौकिंग है वही ये स्टोरेज अलग अलग टाइप में कर सकता है। एवरी कंपार्टमेंट इज अ रोवर कंपार्टमेंट। ये पूरा निकल रिमूवेबल है, इसके पीछे पीसी भी है, तो यहाँ पे भी एक कवर आता है जो आपका निकला हुआ है, ये थोड़ा डैमेज पीस है इसके लिए थोड़ा आउट है। ठीक है, तो ये इसके अंदर एक पीसीबी भी दिया हुआ है, स्क्रू से पैक है सर, पैक नहीं। ये रहा अपना, अब देख रहे हो पावर बोर्ड रिजर्व बोर्ड। तो मेन पीसीबी वही है क्या? मेन पीसीबी यही है। कंडेंसर है, ये गर्म होता है, जब गैस ओके रहेगा तो गर्म होगा, अगर गैस ओके नहीं है या लीकेज है या शॉर्टेज ऑफ गैस है तो ये गर्म नहीं होगा। ओके, नीचे वाला आप देखोगे तो कंप्रेसर दिया हुआ है, कंप्रेसर में ये वाला पाइप जो ऊपर से आया हुआ है ये है सक्शन पाइप, यहाँ से गैस वापस कंप्रेसर में जाता है, पंप होता है। और यहाँ पर जो बारीक पाइप दिया है 316 का, ये है डिस्चार्ज, और ये जो छोटा वाला पाइप होता है वो गैस चार्जिंग वाला पाइप होता है। हमेशा हर फ्रिज में एक पाइप सील किया रहता है, वो गैस चार्जिंग पाइप है। आपको ये पाइप थोड़ा कट करना है, यहाँ पे दूसरा पाइप लगा के पाइप को एक्सटेंड करना है। जब भी आप गैस चार्जिंग करोगे तो आपको पूरा टोटल वैक्यूम करके, यहाँ पे फिल्टर दिया हुआ है, फिल्टर चेंज करना है, फ्लश आउट करना है, वैक्यूम करना है, और यहाँ से आपको गैस देना है। तो जैसे आप गैस जरा चालू करोगे तो यहाँ से गर्म होना चालू हो जाएगा पाइप। सबसे पहले ये पाइप गर्म होता है, फिर स्लोली स्लोली अप एंड डाउन करके लास्ट यहाँ पर हल्का सा गर्म होगा, इसका मतलब कूलिंग टेम्परेचर आ रहा है। कौन सा गैस? ये है कंप्रेसर। जैसे ये कंप्रेसर को हम लोग रेफ्रिजरेटर का हार्ट बोलेंगे। हार्ट का क्या काम होता है? पंपिंग करना। कंप्रेसर को तीन लाइन दी हुई है, देखो ये है डिस्चार्ज लाइन, इसको बोलते हैं सक्शन, और ये है प्रोसेसिंग ट्यूब, मतलब जो भी हमें प्रोसेस करनी है, गैस भरना, प्रेशर चेक करना, वैक्यूम चेक करना वगैरह सब भाई यही से करेंगे हम लोग। पूरी प्रोसेस खत्म होने के बाद हम लोग इसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस क्लोज करना है प्रोसेसिंग टिप को।
अब इसमें कैसा होता है, गैस भरने के बाद गैस का फ्लो कैसा हो जाएगा? ये है डिस्चार्ज लाइन, डिस्चार्ज मतलब यहाँ से गैस प्रेशर से बाहर पड़ेगा। कंप्रेसर के अंदर रोटर और स्टेटर रहता है, वो वाल के थ्रू गैस को पंपिंग कंप्रेस करके हाई प्रेशर से गैस को बाहर फेंकता है। जैसे यहाँ से गैस यहाँ से बाहर पड़ता है तो यहाँ का प्रेशर कम से कम 500 PSI तक रहता है हाई प्रेशर। बाद में यहाँ से वो कहाँ चला जाएगा, ये कंडेंसर में। इसको कंडेंसर ही क्यों बोला, हम लोग जाली भी बोल सकते हैं। कंडेंसर का मतलब क्या होता है, इसमें कंडेंसेशन होता है, गैस का एक रूप बदल के दूसरे रूप में चला जाता है। तो जैसे ही गैस हम लोग फिलअप करते हैं तो वो लिक्विड रूप में रहता है, बराबर है। सो लिक्विड में जैसे ही गैस वो बाहर पड़ेगा तो उसका वेपर बनेगा हाई प्रेशर से, हाई प्रेशर कंप्रेसर से, हाई प्रेशर से बाहर पड़ेगा तो इसकी वजह से उसका उसमें क्या होगा, हीट हो जाएगा। ये कंडेंसर अपना हीट होता है। जैसे धीरे 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 वो आगे आगे जाएगा, उसका फिर से उसका रूप बदलना चेंज होता है, मतलब हाई प्रेशर का जो है वेपर रूप रहता है, तो वेपर धीरे धीरे वो लिक्विड में बन जाता है। जब ये कंप्रेसर से आउटपुट होता है तब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, ये हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में काम करता है। तो अब ये पाइप जो सबसे ज़्यादा रहता है, फिर ये पाइप जो ऊपर जाता है जाता है जाता है, यहाँ पर सर्कल क्यों होता है, जैसे आप गाड़ी चला रहे हो तो यू टर्न आता हो तो आप कैसे करते हो, गाड़ी को स्लो करते हो, तो स्टेट चेंज होता है, तो गियर चेंज होता है, वैसे ही इसका भी स्टेट चेंज होता है। तो यहाँ तक कुछ गर्म होगा, यहाँ के बाद हल्का सा गर्म होगा, तब वो हाई प्रेशर लो टेम्परेचर हो जाता है, स्टेट चेंज होता है। तो हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, ठीक है, लिक्विड। उसके बाद कंप्रेसर जो अपना ड्रायर दिया हुआ है वहाँ पे हाई प्रेशर लो टेम्परेचर रहता है, और कूलिंग कॉइल पे जाने के बाद लो प्रेशर लो टेम्परेचर हो जाता है, और सक्शन में आते आते लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर हो जाता है। समझिए सर, ये सर्कुलेशन उसका प्रिंसिपल चलते रहता है। मैं आपको एक बार प्रिंसिपल मतलब अपना सिस्टम में बता दूंगा कैसे उसका डायग्राम है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर लो टेम्परेचर, ये आपको दिमाग में रखना, ठीक है। अभी आपने देखा होगा ये दोनों ट्यूब बड़ी है, इसमें एक इसका नाम है कैपिलरी, ये जो छोटी ट्यूब दिख रहा है आप कैपिलरी, ये कैपिलरी छोटी सबसे छोटी क्यों हुई है, इसको बोलते हैं कि कूलिंग डिवाइस, ठीक है। अभी इसके पहले कैपिलरी के पहले एक पार्ट दिया, इसका नाम है ड्रायर विद फिल्टर, ये क्या है, ड्रायर विद फिल्टर, इसके अंदर सिलिका जेल होता है और एक फिल्टर नेट भी होती है। मतलब देखो, अगर इसमें से कंप्रेसर में से जो गैस बाहर जाएगा तो गैस के साथ में कुछ मॉइस्चर रहेगा, कुछ पार्टिकल्स रहेंगे, तो वो तो यहाँ तक चलेगा कि इसका वॉल्यूम बढ़ाएं, ठीक है। लेकिन एक बार क्या, अगर वो कैपिलरी में इंसर्ट होगा वो गैस, इसके अंदर माइनर भी एक मॉइस्चर का ड्रॉप रहेगा, तो क्या होगा कि कैपिलरी चोकअप हो जाएगी। इसका इंटरनल डायमीटर कितना है, 0.67 mm का रहता है उसका, उसमें एक भी सिंगल भी पार्टिकल गया तो चोकअप हो जाएगी, गैस आगे कूलिंग नहीं करेगा। इसके लिए उसके पहले ये फिल्टर ड्रायर दिया है, इसमें इसके अंदर क्या होगा, पूरा गैस तुम्हारा फिल्टर भी हो जाएगा और ड्राई भी हो जाएगा। फिल्टर किससे होगा, इसके अंदर दो नेट दी हुई है और दोनों नेट के बीच में सिलिका जेल दिया हुआ है, वो सिलिका उसको ड्राई भी करेगा, मतलब अंदर मॉइस्चर आ गया, कुछ क्रोजल्स आ गया तो उसको फिल्टर करेगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जब भी कोई गैस चार्जिंग करनी है रेडिएटर में तो ड्रायर बदलना जरूरी है। क्यों, अगर सिस्टम चोकअप हो जाती है, चोकअप हो गया मतलब क्या हो गया, कैपिलरी चोकअप हो जाती है, बाकी का कोई पोर्शन चोकअप नहीं कर ली, इसमें है क्या, नहीं है। चोकअप क्या होता है, कैपिलरी, तो कैपिलरी चोकअप कब हो जाएंगी, अगर ड्रायर ने काम करना बंद किया तो कैपिलरी चोकअप हो जाएंगी। इसलिए जब भी कहीं गैस चार्जिंग करनी है आपको फील्ड में तो ड्रायर बदलना कंपलसरी है, हर गैस चार्जिंग में ड्रायर चेंज होता है, ठीक है। अभी गैस चार्जिंग करते समय कौन सी प्रिकॉशन लेनी है, गैस कितना भरना है, ये हम आपको बताएंगे। फॉर एग्जांपल अभी ये रेडिएटर है, इसके अंदर कितनी गैस क्वांटिटी सर, अगर हम इसमें कुछ ज़्यादा समझो, फॉर एग्जाम्पल फील्ड में गए, आपने देखा कूलिंग नहीं हो रहा है फ्रिज में, तो आप क्या चेक करेंगे, ये लीकेज है या चोकअप है, तो लीकेज या चोकअप आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसा फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम लोग चालू करेंगे फ्रिज को, चालू करने के बाद अगर फिजिकली कोई जॉइंट लीकेज होने के चांस 90% चांस का रहते हैं जॉइंट पर, तो कौन सा जॉइंट, हाई प्रेशर जॉइंट सबसे पहले, मैक्सिमम जॉइंट चेक होने का लीकेज होने का चांस ये रहता है, क्योंकि हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर जॉइंट रहता है। सेकंड लीकेज होने का चांस ये रहता है कैपिलरी, सॉरी ड्रायर टू कंडेंसर, ठीक है, बाद में ये कैपिलरी टू ड्रायर, और उसके बाद में लास्ट में लो प्रेशर एकदम लो प्रेशर, ये सक्शन के जॉइंट, तो ये तो बहुत कम लीकेज होता है। तो हमें फिजिकल पहले जॉइंट चेक करने हैं लीकेज है क्या, अगर ये हमें लीकेज नहीं मिल रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इंटरनल जॉइंट भी एक बार चेक कर लो फिजिकल, एक खोल के कहाँ पर, कूलिंग कॉइल के पास। जनरली कंडेंसर तो 95% लीकेज होने के चांस बहुत कम रहते हैं, होता ही नहीं, और आउटसाइड कंडेंसर तो होता ही नहीं, ठीक है। सो नहीं मिलता है, बाद में आप क्या करो कि
गैस ओपन कर, जैसे अभी कल साधन सर ने जो क्लिप बताई उसमें R600 गैस, जैसे आपको बताया ये क्या है, LPG गैस एक टाइप का है, हाँ एक्सप्लोजिव गैस है, तो इसको हमें ऐसे ही नहीं छोड़ना है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर का तो क्वांटिटी बहुत कम रहती है, इसमें एक बड़ी मुश्किल से मैं बोलता हूँ कि 40 ग्राम में गैस होगा, ज़्यादा नहीं होगा 40-50 ग्राम। हाँ अगर जो फील्ड में कर भी दिया ओपन पेस में है तो इतना कुछ नहीं, लेकिन जनरली नहीं करना है, जो कंपनी ने सिस्टम दी प्रोसेस दी वही प्रोसेस से हमें चेक करना है, ठीक है। तो जॉइंट निकाल डालो, ड्राइव निकाल डालेंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा आपका गैस निकल जाएगा। बाद में आपको जैसे अभी सर ने बताया उसको ये प्रोसेसिंग ट्यूब कट करके यहाँ पे हमें एक नॉन रिटर्न वाल्व लगाना है, मार्केट में मिलता है 30 रुपये में, NRV बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं NRV नॉन रिटर्न वाल्व, NRV नॉन रिटर्न वाल्व, हाँ उसको लगा के आप क्या करो, पहले तो सिस्टम फ्रेश करो, हमें कोई लीकेज नहीं मिलाना, सिस्टम पहले फ्रेश कैसे करें, अभी ऑलरेडी आपके ये दोनों जॉइंट ओपन हो गए। अभी मैं बता, यहाँ पर यह रिफ्रेशर में सिस्टम के भी दो पार्ट होते हैं, एक तो हाई साइड पार्ट और दूसरा लो साइड पार्ट। हाई साइड में पार्ट में, हाई साइड पार्ट में क्या क्या आता है, डिस्चार्ज का जॉइंट टू लेकर तक ये ड्रायर का इनलेट जॉइंट तक, यहाँ तक हो गया हमारा हाई साइड पार्ट, और कैप्टरी का ये पार्ट से लेकर तक सक्शन के ये जॉइंट तक, इसको बोलते हैं हम लो साइड पार्ट। तो जैसे हम लोग इनका जो मीडिएटर क्या है, ड्रायर कट कर दिया, दोनों साइड अलग हो गई, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, ये NRV लगाने के बाद NRV का जो वॉल है ओपन रखने का है, और पहले तो शुरू में सिर्फ 1 या 2 मिनट आपको इटसेल्फ करना है फ्लशिंग, मतलब कंप्रेसर स्टार्ट करो, ड्रायर से आप क्या करो अपने कंडेंसर से फ्लशिंग करना है हाथ से पर जी। अगर आपको इसके अंदर ऑयल मिल रहा है पहले 2 मिनट के अंदर, तो समझना कि कहीं तो भी अंदर लीकेज है, क्योंकि ऑयल ऊपर कब चला जाता है, अगर लीकेज हो गया, लीकेज होने के बाद क्या होता है, गैस लीक होने के बाद क्या, गैस निकलने के बाद कंप्रेसिव पंप चल रही है, फिर गैस क्या करता है ऑयल ऊपर चला जाता है, ऑयल खींचता है ऊपर, तो आपको फिर सबसे पहले आप कंडेंसर को फ्रेश करो नाइट्रोजन से, आपको प्रोसेसिंग ट्यूब से नाइट्रोजन ये लगाना है, कंडेंसर पूरा फ्रेश करना है। बाद में कैपिलरी जॉइंट को भी आपको इधर से एक NRV लगानी है, देखो वो फ्लशिंग के बगैर आपका गैस चार्ज होने वाला नहीं है, और ये सक्शन जॉइंट ओपन करना है आपको, यहाँ से प्रेशर देंगे कैपिलरी से, पूरा कूलिंग कॉइल फ्लश होके नाइट्रोजन प्रेशर देना है, ध्यान रखो नाइट्रोजन का प्रेशर 70 PSI से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 70 PSI, इससे ज़्यादा करेंगे तो इसकी कूलिंग कॉइल फट जाएगा, क्योंकि वो एल्यूमिनियम की होती है। ये दोनों भी सिस्टम है, लो साइड सिस्टम और हाई साइड सिस्टम, फ्लश करने के बाद में आपको ड्रायर लगाना है, ठीक है। ड्रायर लगाने के बाद तुम्हारा सिस्टम पूरी ओके हो गई, सक्शन जॉइंट कर दो, फिर आपको वहाँ से थोड़ा सा नाइट्रोजन प्रेशर भर के फिर आपको एक एक जॉइंट चेक करना है लीकेज कहाँ है, तो कब फ्लशिंग होने के बाद एक एक जॉइंट लीक चेक करो, अगर लीकेज नहीं मिल रहा है आपको ये, तो आप थोड़ा सा आधा घंटा वो प्रेशर भर के रखो, प्रेशर अगर ड्रॉप होता है तो समझ लेना कि बाहर से तो कोई लीकेज नहीं मिल रहा है, इंटरनल कहीं से भी लीकेज है, गैस भर के कोई फायदा नहीं है अगर प्रेशर ड्रॉप हो रहा है तो। अगर डाउट नहीं है प्रेशर ड्रॉप नहीं हो रहा है तो बाद में आप प्रेशर निकाल डालो। इसको आपको सिंगल स्टेज वैक्यूम का पंप लेना है, और सिंगल स्टेज वैक्यूम से आपको इसको कम से कम 40 मिनट तक इसको वैक्यूम करना है, ध्यान रखो वैक्यूम पंप सब आपको अभी टूल किट में क्या क्या इसको रेफ्रिजरेशन गैस चार्जिंग के लिए आपको क्या क्या टूल्स लगने वाले हैं और सब टूल्स हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो वैक्यूम पंप से इसको पूरा वैक्यूम, मतलब पूरी सिस्टम वैक्यूम करना है। हम लोग सिस्टम वैक्यूम करते हैं, मतलब क्या करते हैं, अंदर का जो भी मॉइस्चर है, जो भी कुछ मॉलिक्यूलर है, कुछ कोरोजन है, जो भी, तो वो सब हम बाहर खींच लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर अंदर रहा तो वो बाद में कैपिलरी को चेकअप करेगा, वैक्यूम करना क्यों जरूरी है, वो बाद में वो पार्टिकल्स अगर अंदर रहा तो क्या होगा, वो कैपिलरी को चेकअप करेगा। रेफ्रिजरेशन सिस्टम में दूसरा कोई चेकअप होने के लिए कोई चांस नहीं, एक ही होती है कैपिलरी। देखो एसी में काम करने वाले लोग एसी का कोई ज़्यादा वैक्यूम करता नहीं, क्योंकि एसी की कैपिलरी बड़ी होती है, उसके चोकअप होने के चांस बहुत कम रहते हैं, इसलिए वैक्यूम बहुत से लोग एसी में कोई वैक्यूम करता नहीं, करता है क्या, बस थोड़ा सा ये करते हैं गैस भर देते, लेकिन रेफ्रिजरेटर में वैक्यूम करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो तुम्हारा आज तुम गैस चार्जिंग करके जाओगे, वैक्यूम नहीं किया, ए सी भर दिया, 2 घंटे के लिए 2 दिन के लिए कूलिंग आ जाएगा, तीसरे दिन वो चोकअप हो जाएगा, आपको दोबारा कस्टमर बुलाएगा, बोलेगा तुम्हारा काम नहीं बराबर हो गया। सो इसलिए वैक्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए फिर स्टैंडर्ड वैक्यूम लेना। बहुत से लोग क्या करते कि बस सेल्फ वैक्यूम मारते, अब इनमें अब इसमें रेफ्रिजरेशन सिस्टम वाले कोई नहीं इसलिए वो नाम नहीं बताऊंगा भाई, लेकिन वो सेल्फ वैक्यूम बहुत डेंजर है, और R600 के लिए तो बहुत डेंजर है।
ठीक है। तो एक बार वैक्यूम पूरा कंप्लीट होने के बाद वैक्यूम कितना होना चाहिए अपने हिसाब से कम 30 से 40 माइक्रोन तक, 30-40 माइक्रोन वो वैक्यूम पंप जो लेंगे ना तो उसके ऊपर तुमको निकाल रहता है, ठीक है। 30 से 40 मिनट वैक्यूम करोगे, वैक्यूम निकालने के बाद इमीडिएट आपको गैस फिलअप करना है। अभी गैस फिलअप करने के लिए देखो मार्केट में एक छोटी व्यूइंग मशीन आती है पोर्टेबल, उसकी कीमत क्या है मेरे ख्याल से 500-600 होंगी। अगर आपको फ्यूचर में पैसा बचाना है कुछ ये करना है तो आप एक्यूरेट गिन के गैस डालोगे ना तो आपका ज़्यादा गैस वेस्ट नहीं होगा और आपको पैसा भी आपका बचेगा। नहीं तो अंदर से डालने गए, बैक प्रेशर चेक करो, करंट चेक करो, इसके कॉम्बिनेशन भी कोई चेक करने जाता है, भर के जाता है तो उसमें गैस क्वान्टिटी ज़्यादा जाती है। दूसरी बात रिफ्रिजरेशन में क्या है कि गैस ज़्यादा हो गया तब भी प्रॉब्लम है, कम भी हो गया तब भी प्रॉब्लम है। ज़्यादा हो जाता कि उसको क्या बोलते हैं हम, ओवरचार्ज, रेफ्रिजरेटर ओवरचार्ज हो गया, ओवरचार्ज हो गया तो उसका इफेक्ट क्या मिलता है, इसके सक्शन लाइन के ऊपर आपको बर्फ़ जमा होने मिलता है। सक्शन लाइन के ऊपर अगर बर्फ़ जमा हो गया तो समझना कि ये ओवरचार्ज हो गया है, ओवरचार्ज हो गया तब भी अंदर कूलिंग बराबर नहीं आएगा, कूलिंग कम आएगा। और अंडरचार्ज मतलब लेस गैस, अंडरचार्ज हो गया तब भी अंदर कूलिंग नहीं आएगा। तो इसीलिए एक्यूरेसी इसके लिए बहुत परफेक्ट है। तो इसको एक्यूरेट गैस भरने के लिए आपके पास इंस्ट्रूमेंट भी पैसे वैसे एक्यूरेट होने चाहिए। तो क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लगेंगे अभी हम लोग अंदर जाने के बाद बात कर लेंगे इसके बारे में। तो ये गैस फ्लो सिस्टम आपको समझ में आ गई, पूरा गैस भरने के बाद आपको उसका फ्लो अप करंट को देखना है, रनिंग करंट कंप्रेसर कितना है, ज़्यादा बढ़ तो नहीं रहा, तो ज़्यादा बढ़ रहा है तो फिर कंप्रेसर गर्म हीट होके बाद में, जैसे अभी सर ने बताया हीट होके क्या होगा, फिर आराम देना चालू करेगा वो कंप्रेसर, ट्रिप मारेगा तो फिर कूलिंग कम आएगा। तो ये सब एक्यूरेसी सब चेक करने के बाद लास्ट में आपको इसको पिंच मार के इसको सील करना है। तो ये है आपकी गैस चार्जिंग की प्रोसेस। इसमें आपको कोई डाउट्स है तो आप अभी पूछ सकते हो, कोई अगर अब मेरे है तो बोला।